हेलो एंड वेलकम टू एमबी टॉक्स देहरादून। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने जियो फाई डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसको रीसेट कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, वो सब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमारे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जियो फाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को जियो फाई से कनेक्ट करें और उसके बाद किसी भी ब्राउजर को ओपन करके वहां पे ये एड्रेस एंटर करें http://geofi.local.html और इसको गो करें, इसको रन करें। जहां पर आप इसको रन करेंगे तो यहां पे एक न्यू पेज लोड होगा और इस न्यू पेज पे अगर आप राइट टॉप साइड पे देखेंगे तो यहां पे एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये आपको ऑलरेडी आपके डिवाइस में मेंशन होता है उसी स्टिकर में जहाँ पे आपके जियो फाई का पासवर्ड लिखा होता है, वहीं पे ही इसके नीचे कुछ इस तरीके से आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम हमारे इसका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम है और पासवर्ड भी यही है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। सो लॉगिन डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे हम इसको गो करते हैं। गो करेंगे तो यहाँ पे आपकी लॉगिन के हेल्प से एक आई जो आपकी आईडी होगी डिवाइस की उसमें हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे को जाना है इस सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे को ऑप्शन देखने को मिलेगा राइट साइड में ये वाईफाई का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी की। यहाँ पे अभी हमारे इसका जियो फाई का जो करंट पासवर्ड वो है ये है। इसको हम यहाँ पे टैप करके, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके। सो इस तरीके से यहाँ पे हम इस पर टैप करेंगे और इसको डिलीट करके हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं QWERTY 123। सो यहाँ पे हम इसको QWERTY 123 कर दिया और इसके बाद यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते थे। जैसे ही यहाँ पे इसका पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा हमारा फ़ोन जो है इस डिवाइस से डिसकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर दें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द वाईफाई मॉड्यूल विल बी रिस्टार्ट एंड इट विल कॉज द वाईफाई डिसकनेक्शन। यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे वेटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है हमारे डिवाइस से डिसकनेक्ट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डिवाइस अभी भी ऑन है। सो अब इसको दोबारा से रिकनेक्ट करने के लिए हमारे को वाईफाई के ऑप्शन में जाना होगा, वाईफाई की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। सो इसके लिए यहाँ पे हम इसको पासवर्ड को चेंज करके अब इसको पहले इसको फॉरगेट करके दोबारा से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे को हमारा न्यू पासवर्ड एंटर करना होगा QWERTY 123 और अब यहाँ पे शो कर सकते हैं और इसको डन करेंगे एंड कनेक्ट। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है इससे कनेक्ट हो चुका है वाईफाई से। और अगर हम दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ हम दोबारा से लॉगिन कर चुके हैं अपनी आईडी पे और यहाँ पे हमारे को हमारा पासवर्ड देखने को मिलेगा सिक्योरिटी की QWERTY 123। सो इस तरीके से हम अपने डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। करेंटली हमारे डिवाइस का जो पासवर्ड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे QWERTY 123 है, जैसा कि अभी हमने सेट करा था। अब हम इसको रिस्टोर करने के लिए या रीसेट करने के लिए सिंपली हमारे को अपने डिवाइस का बैक कवर ओपन करना है और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे थोड़ा सा फोकस हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस के साइड में यहाँ पे रीसेट मेंशन कर रखा है। इस रीसेट के साथ ये जो स्पेस है, ये जो हॉलो स्पेस है, यहाँ पे आपको किसी भी छोटी सी पिन से या मैंने सिंपली यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल से एंटर इसको अंदर करा और यहाँ पे एक बार प्रेस कर दिया। सो यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे हमारे डिवाइस की सेटिंग जो है
वो रिस्टोर होंगी, हमारा डिवाइस जो है रिस्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका पासवर्ड जो है रिसेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारा डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट हुआ है और ये जो हमारा फोन था अभी इसके साथ कनेक्टेड था, अब यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा एकदम से। तो जैसे ही हमारा डिवाइस रिस्टार्ट होगा और इसमें नेटवर्क्स आएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ ही अगर आपके कुछ व्यूज़ हो, कमेंट्स हो, आप हमारे को वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाके पोस्ट कर सकते हैं, हमारे को DM कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।